जय जिनेंद्र दोस्तों, वर्धमान जनरेटर में आपका स्वागत है। लेके आया हूँ 50 केवी का टाटा सासनो टर्बो इंजन का जनरेटर, एवीआर वाला फुल कॉपर वाइंडिंग का। हम लोगों ने इसमें ऑल्टरनेटर लगाया है दोस्तों, टाटा सासनो का टर्बो चार्ज, इसमें अंदर इंजन लगा हुआ है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है दोस्तों। ये राजा डीजे वाले भाई हैं सरिया ग्रिडी से, जिन्होंने हमसे परचेज किया है। अभी मैं आपको 100% लोड डाल के दिखाने वाला हूँ। ये टर्बो इंजन है दोस्तों, 100% लोड लेता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, जनरेटर को स्टार्ट करते हैं और आपको 100% लोड डाल के दिखाते हैं। ये हाफ सेल में जनरेटर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन जनरेटर है। बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। कोई धुआं नहीं है, किसी टाइप का कोई वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल जीरो वाइब्रेशन है। हैवी ड्यूटी 62.5 के वाला हम लोगों ने इसमें रेडिएटर लगाया दोस्तों, देख सकते हैं। जीरो वाइब्रेशन मिलेगी आपको, किसी टाइप का कोई फालतू नॉइज नहीं है, कोई धुआं नहीं है, बिल्कुल एक आवाज़ में इंजन चल रहा है। पूरा इंजन का फुल ओवरऑलिंग का हम लोगों ने काम किया है, देख सकते हैं। 231 वोल्टेज है, 51.5 के आसपास फ्रीक्वेंसी है। अभी मैं आपको हीटर का भी लोड डालूंगा और साथ के साथ वेल्डिंग मशीन भी चला के दिखाने वाला हूं। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों। वीडियो का अंत तक देखिएगा, बिल्कुल शोरूम कंडीशन में। उसके बाद हम लोग इसको रेडी करेंगे और सरिया रेडी के लिए फिर रवाना करेंगे दोस्तों। बिल्कुल जीरो वाइब्रेशन सेट है दोस्तों, देख सकते हैं आप। क्वालिटी हर एंड पे मिलेगी आपको। वोल्टेज भी अभी आपको चेक कराए थे मीटर से भी, कितने वोल्टेज आ रहे हैं और कितने डीसी आ रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। 230 वोल्टेज है। सिंगल फेज का दोस्तों ये जनसेट है और ये डीजे पर्पस के लिए जा रहा है दोस्तों। इसकी डीसी भी दिखा देते हैं आपको, देख सकते हैं आप। 4-5 इसकी डीसी है दोस्तों। बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में जनसेट ये बन चुका है, ब्रांड न्यू। इसके अंदर ऑल्टरनेटर लगा है फुल कॉपर वाइंडिंग का। इंजन का हम लोगों ने फुल ओवरऑलिंग का काम किया दोस्तों, देख सकते हैं। कोई धुआं नहीं है, कोई फालतू नॉइज़ नहीं है, बिल्कुल एक आवाज़ में इंजन चल रहा है। चलिए पैनल पे चलते हैं और आपको 100% लोड डाल के दिखाऊंगा, साथ के साथ फ्रीक्वेंसी भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों। मार्केट में लोग लोड जरूर दिखाते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी कोई भी नहीं दिखाता है, देख सकते हैं। हीटर का लोड डलना चालू हो चुका है और लोड आ चुका है। इस पर धीरे धीरे करके लोड डाल रहे हैं दोस्तों हम लोग। 70 एम्पीयर के आसपास लोड आ चुका है, बिल्कुल भी इंजन नहीं दब रहा है, शेर की तरह इंजन दाग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। 51 की 51 फ्रीक्वेंसी मेंटेन है। चारों स्लीवें हैं, चारों पिस्टन, मेन बिगिन, सीआर, हेड, पूरा एक नंबर का काम किया जाता है दोस्तों। पंप भी हम लोग माइको से कराते हैं जब ये परफॉर्मेंस आती है। और क्वालिटी आपके सामने दोस्तों, 104 एम्पीयर, 111 एम्पीयर, 115 एम्पीयर लोड, 16 एम्पीयर, 117-118 एम्पीयर, देख सकते हैं। बिल्कुल भी इंजन नहीं दब रहा है, 50.5 फ्रीक्वेंसी मेंटेन है। 120 एम्पीयर के आसपास जनरेटर पर लोड चल रहा है। ये वेल्डिंग मशीन भी कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। हीटर का 120 एम्पीयर का लोड ऑलरेडी इस जनरेटर पर चल रहा है। अभी वेल्डिंग मशीन भी हम लोगों ने डाल दी है और देख सकते हैं वेल्डिंग भी कंटिन्यू चल रही है। वेल्डिंग का लोड भी दिखा देते हैं आपको, लगभग 35-36 एम्पीयर वेल्डिंग का लोड आ रहा है और 120 एम्पीयर हीटर का लोड चल रहा है। 50.5 फ्रीक्वेंसी है, 155 एम्पीयर लोड चल रहा है इस टाइम जनरेटर पर दोस्तों। और परफॉर्मेंस आपके सामने दोस्तों, इसे रख दो नए जनरेटर को तो आपको फर्क पता ही चलेगा। बिल्कुल साफ जनरेटर चल रहा है दोस्तों, कोई धुआं नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। इसे कहते हैं क्वालिटी, इसे कहते हैं काम दोस्तों। हमारा काम बोलता है, इसी बात पे एक लाइव जरूर बनता है दोस्तों, लाइव जरूर करें। डीसी भी आपको चेक करा है दोस्तों, देख सकते हैं 21-22 के आसपास इसकी डीसी आ रही है, 155-60 एम्पीयर लोड पे। ये हीटर का और वेल्डिंग का ब्रेक लोड है दोस्तों, लाइट पे और 5-7 एम्पीयर फालतू ही लेके जाएगा। 160 एम्पीयर तक भी आप इस पर लोड चलाएंगे, आपको दिक्कत नहीं मिलेगी, देख सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन जनरेटर रेडी हो चुका है दोस्तों, टाटा 709 टर्बो इंजन के साथ में। लोग मार्केट में टाटा 709 को 40 केवी, 50 केवी में लोगों को बेचे जा रहे हैं। अब लोड हटा के इसे बंद करेंगे दोस्तों, और ये जैसे ये बंद हो चुका है। अब इसे रंग पेंट करके बिल्कुल शोरूम कंडीशन आपको रेडी करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, उसके बाद लोड भी डाल के दिखाएंगे आपको। और ये जैनसेट पूरा शोरूम कंडीशन में रेडी हो चुका है दोस्तों। उसका प्राइस जानने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9899707888 और 9810325530 नंबर पे। कॉल करने का समय सुबह 11 से शाम को 7 बजे तक का। ये देख सकते हैं इसमें 60 लीटर का हमने फुल टैंक लगाया डबल क्लैंप के साथ में। ये इसका ढक्कन है कास्टिंग वाला, ये एयर कॉक है जहाँ से हवा की टंकी, ये फ्यूल इंडिकेटर जो बताएगा टंकी में कितना डीजल है दोस्तों। इस 6 पहिए का हैवी ड्यूटी हम लोगों ने बेस बनाया है जिसके ऊपर नट बोल्ट के थ्रू टंकी पूरी टाइट है। इसका कंट्रोल पैनल है, इसमें एक वीएफ लगा है जो वोल्टेज एम्पियर फ्रीक्वेंसी आपको बताएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार पैनल है। टेम्परेचर मीटर है, एम्पियर मीटर है, एसी इंडिकेटर है, ये चाबी है स्टार्ट करने की, डीसी इंडिकेटर और स्टॉपर है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन पैनल है जो कस्टमर की डिमांड पर हम लोग लगाते हैं। सारे हाइड्रोलिक के हम लोगों ने इसमें डीजल के पाइप लगे, ब्रांड न्यू फुल कॉपर वाइंडिंग का, एवीआर वाला 50 केवी सिंगल फेस का ऑल्टरनेटर लगा जिसमें बिल्कुल फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगी आपको वोल्टेज की। 100% लोड
पे भी वोल्टेज आपको पूरे एक्यूरेट मिलेगी। टाटा 700 का 4 सिलेंडर का इसमें इंजन है टर्बो वाला, जिसकी चारों स्लीवें हैं, चारों पिस्टन, मेन बिगन, सीआर हेड, सारा एक नंबर का हम लोगों ने काम किया दोस्तों, तभी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। इसका ऑयल डालने का है जहाँ से मोबिल ऑयल डलता है, ब्रांड न्यू हम लोगों ने इसमें एयर फिल्टर लगाया। ये जनरेटर का इंजन होता है दोस्तों, गाड़ी का इंजन नहीं है, ब्रांड न्यू इसमें रेडिएटर लगाया 62 kV वाला दोस्तों, देख सकते हैं आप बहुत ही बड़ा रेडिएटर लगा है, जिसकी प्रॉपर हम लोगों ने सपोर्ट बनाई है ताकि बिल्कुल वाइब्रेशन ना हो। कूलेंट की बोतल में कूलेंट भी हम लोग डाल के देते हैं दोस्तों, 6 पहिए का देख सकते हैं, हैवी ड्यूटी बेस बनाया हम लोगों ने। ये डीजे पर्पस के लिए जा रहा है तो गाड़ी में चढ़ाने उतारने में बिल्कुल भी दिक्कत ना, इसलिए हर जनरेटर हम लोग पहिए लगा के देते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन जनरेटर रेडी हो चुका है, 100% लोड पे 4 लीटर के आसपास डीजल खाता है दोस्तों। देख सकते हैं टर्बो इंजन है दोस्तों, मार्केट में लोग टाटा को 400 को 40 kV 50 kV में बेच रहे हैं, सारे EPDM के हॉर्स पाइप लगे, ब्रांड न्यू देख सकते हैं आप, चिकने वाले, क्वालिटी आपको हर एंड पे मिलेगी दोस्तों। फाइनल का इसमें बैट लगा हुआ है देख सकते हैं आप, ये बैटरी स्टैंड है जहाँ बैटरी रखी जाएगी दोस्तों। ये इसका फ्यूज़ है वायरिंग का, जो वायरिंग के साथ ही देते हैं हम लोग हैवी ड्यूटी। अभी बैटरी डीड लगा के हम इसे चालू भी करके दिखाएंगे आपको, तो वीडियो को अंत जरूर देखिएगा दोस्तों। ये डिजिटल पैनल के साथ में हम लोगों ने रेडी किया दोस्तों, राजा डीजे भाई जो कि सरिया गिरिडीह से, उन्होंने हमसे परचेज किया, ये उनके पास जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए दोस्तों आपको स्टार्ट करके एक बार दोबारा हल्का फुल्का लोड डाल के दिखाते हैं क्या परफॉर्मेंस आ रही है जनरेटर की। ये हाफ सेल मीटर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं एसी इंडिकेटर जल चुका है, बिल्कुल जीरो वाइब्रेशन सेट में, बिल्कुल साफ चल रहा है जेनसेट, कोई धुआं नहीं किसी भी टाइप का, देख सकते हैं आप। हर एंड पे आपको क्वालिटी मिलेगी दोस्तों, बिल्कुल ब्रांड न्यू जेनसेट ये रेडी हो चुका है, इसे रख दो नए जेनरेटर का तो आपको फर्क पता ही नहीं चलेगा। देख सकते हैं 230 वोल्टेज है, 51.5 के आसपास फ्रीक्वेंसी है, सारे मीटर में भी देखो दोस्तों लाइट जल रही है, अंधेरे में भी आपको सारी चीज़ें क्लियर नजर आएंगी इसके ऊपर। चारों तरफ से घूम के आवाज़ भी आप चेक कर सकते हैं, कोई फालतू नॉइज़ नहीं मिलेगा आपको, किसी टाइप का कोई लीकेज नहीं मिलेगा आपको जनरेटर के अंदर। पूरे इंजन को अच्छी तरह धोने के बाद पूरा सफाई से बांधा जाता है, उसके बाद ही ये परफॉर्मेंस आती है दोस्तों। 90% पार्ट नए डाले जाते हैं जनरेटरों में, तभी एक नंबर का जनरेटर रेडी होता है दोस्तों। इसी तरीके से सारे इंजनों को हम लोग खोल के पूरा ओवरऑल करके रेडी करते हैं, तभी परफॉर्मेंस आती है दोस्तों। देख सकते हैं 106 एम्पियर लोड इस पर आ चुका है और 50.5 फ्रीक्वेंसी मेंटेन है, 237-236 वोल्टेज है, वोल्टेज बढ़े ही हैं दोस्तों, घटे नहीं है, AVR सेट की यही खासियत होती है। देख सकते हैं बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है, 106-107 एम्पियर लोड चल रहा है इस टाइम हीटर का, 100% लोड डाल के मैं ऑलरेडी दिखाई चुका हूँ आपको, परफॉर्मेंस आपके सामने है दोस्तों। बिल्कुल बेहतरीन जेनसेट रेडी हो चुका है, 50 kV सिंगल फेस का दोस्तों जेनसेट है, टर्बो चार्ज इंजन के साथ में, टाटा 709 के, और क्वालिटी हर एंड पे है दोस्तों, देख सकते हैं। लोग मार्केट में काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इंजनों के अंदर ऑयल भी नहीं चेंज करते दोस्तों, केवल अल्टरनेटर जोड़ा, इंजन जोड़ा, स्टार्ट करके दे दिए, सस्ते के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। ये लोड हटा दिया गया दोस्तों, इसे खींच के इसे बंद कर देंगे और इसको ऑफ कर देंगे दोस्तों। अभी डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है दोस्तों, गिरिडीह सरिया जाने के लिए बिल्कुल जेनसेट रेडी हुआ है, अच्छी तरह पैक करके हम लोग डिलीवर करेंगे, देख सकते हैं गाड़ी में लोड हो चुका है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दिए गए नंबर पर जल्द से ऑर्डर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय जिनेंद्र, नमस्कार दोस्तों।